विद मी इज यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नित्यानंद राय सर. 15 पार्टीज मिलती है पटना में और इसके बाद शिमला में मीटिंग होगी. आपको लगता है कि अपने एजेंडे को सॉर्ट आउट करके कम से कम एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जंग चल रही है. एकजुट हो या ना हो, एकजुटता उनकी कैसी है कल से पटना और देश और बिहार में दिखा है. सब अपने एजेंडा को लेकर गए हैं और कोई वहाँ कामयाब नहीं हुए हैं. सबके प्रधानमंत्री जी का सपना, प्रधानमंत्री बनने का सपना धरा का धरा रह गया. और कोई भी एजेंडा करे, जितना कसरत कर ले, बैठक कर ले, जितना करना है करे, जनता निर्णय ले चुकी है, एकजुट हो चुकी है 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए. इस बहुत सारी पार्टीज है इनके, आपने जैसे कहा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी हैं प्रधानमंत्री के लिए और बहुत सारे राज्यों में एक दूसरे के विपक्ष में खड़े भी होते हैं. तो आपको लगता है ऐसे में कितना डिफिकल्ट होगा इस तरह के अरेंजमेंट करना, क्योंकि एक साल से भी कम बचा है अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए. कोई भारतीय जनता पार्टी को न कोई चिंता है, न उसके पास कोई चुनौती है. भारतीय जनता पार्टी का ठोस विचार है, इनके पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है जिसको जनता स्वीकार कर चुकी है. चुनाव में कोई भी किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहीं चुनौती कोई देने वाला है, नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता और उनके काम के सामने कोई खड़ा होने वाला है, टिकने वाला है. एक आखिरी सवाल है, सुशासन बाबू ने क्यों इस तरह की पहल की? आप तो अच्छे उस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप उनके पॉलिटिक्स को भी समझते हैं. देखिए, सुशासन बाबू नहीं कही, समझे ना, बिहार की जनता उनको बहुत सारी उपाधि दे चुकी है, मैं उसको कहना नहीं चाहता. लेकिन उनको तेजस्वी जी और लालू जी ने प्रधानमंत्री जी का सपना दिखाकर कि मैं आपको उम्मीदवार बनाऊंगा, आप हमारे साथ गठबंधन कर सरकार बनाइए, चले गए लोग में. आज तक तेजस्वी जी आरजेडी ने क्या उनको कहीं प्रस्ताव भी किया कि हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट जो है वो नीतीश कुमार होंगे? देश की जनता के सब मन मिजाज जानता है कि प्रधानमंत्री फिर से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को बनाएगी. लोभ में फंस गए, अब बेचारे बन गए हैं. उन्हीं के पार्टी के ललन सिंह कहते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है. आज तक आरजेडी ने उनका प्रस्ताव तक नहीं किया, अभी तक कोई माना भी नहीं, आगे मानेगा भी नहीं.